Hi guys, wish you a very very good morning. This is Miyush Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 13th of August and we are going to take today's the Hindu news analysis. The first news is Kamala Harris to be Biden's running mate. Joe Biden ki running mate banengi Kamala Harris जो कि फर्स्ट वुमेन हैं ब्लैक फर्स्ट ब्लैक वुमेन हैं हम कह सकते हैं एंड द फर्स्ट एशियन अमेरिकन वुमेन जिनको ये टिकट मिला है मेजर पार्टी से टिकट मिलना यूएस की इट इज़ सच अ वेरी बिग डील. यूएस सीनेटर रह चुकी कैलिफोर्निया की कमला हैरिस जो है वो हैज़ बीन नेम्ड रनिंग मेट ऑफ प्रिजम्प्टिव डेमोक्रेटिव प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बिडन. प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बिडन जो हैं उनकी उनकी रनिंग मेट के रूप में इन्हें जो है सेलेक्ट किया गया है एंड हेयर एज पर एन अनाउंसमेंट फ्रॉम जो बिडन ऑन ट्यूसडे. और ये जो अनाउंसमेंट है ये जो बिडन द्वारा ही दिया गया है ट्यूसडे को. बेसिकली कमला हैरिस जो हैं वो 55 ईयर ओल्ड हैं एंड द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन डिसेंट एंड ब्लैक वुमेन टू बी ऑन प्रेजिडेंशियल टिकट ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी. ओके एंड द मूव पुट्स मिस हैरिसन इन अ पावरफुल पोजिशन टू लीड द डेमोक्रेटिक पार्टी इन द नियर फ्यूचर. इन नियर फ्यूचर उनको पावरफुल एक पोजिशन प्रोवाइड करवाने में ये हेल्प करेगा. डेमोक्रेटिक पार्टी की को लीड करेंगी आने वाले टाइम में. सो समवेयर वी कैन से दैट दिस इज़ अ गुड टाइम एंड गुड अचीवमेंट फॉर अ ब्लैक लेडी एंड देयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 ईयर्स ऑफ रेजिडेंसी. शी विल गेट अ गुड पावर टू डू सो और अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू सो. ओके and Chennai connection born to Shyamala Gopalan, a cancer researcher originally from Chennai, and Donald Harrison, an economics professor from Jamaica. Harris has decades of public service to her name. In 2010 she became California's attorney general. California ki attorney general bhi reh chuki hain. ओके इनके बारे में जो बिग टिकट कॉन्टेस्ट के बेसिस पर इनका कुछ डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं. अ लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ यूएस सेनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया कैमला हैरिस हु वाज नेम्ड रनिंग मेट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बिडन. शी इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन वुमेन to run for the vice president on a major party ticket. ये चीज़ हम discuss कर चुके हैं ठीक है. Born in San Francisco to Donald Harris and a Jamaican and Shyamala Gopalan originally from Chennai. India के चेन्नई से है Shyamala Gopalan और Jamaica से है Donald Harris. दोनों की जो बेटी हैं वो हैं ये Harrison. Kamala Harrison criticized by progressives as her prosecutorial record with the tough on crime policy ka unka record raha hai. Iski wajah se kafi aalochnaye bhi jhelni padi hain Kamala ma'am ko. And proposed a Medicare for all plan that also allowed role for private insurers के लिए रोल अलाउ करने के पर्पस से उन्होंने मेडिकेयर फॉर ऑल प्लान भी लॉन्च कर रखा है. उस पर भी वर्क किया हुआ है मैम ने. इसके अलावा ड्रॉप आउट द प्रेसिडेंशियल रेस आफ्टर फंड्स ड्राइड अप. जब फंड्स की कमी हो जाने के कारण ड्राइड अप हो जाने के कारण इन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल रेस से अपने आप को पीछे धकेल लिया. इट मीन्स ड्रॉप आउट कर दिया. Co-sponsored legislation in the Senate for justice reform after killing of George Floyd, and she has also served as the district attorney of San Francisco 2004 to 2011. After that she was the attorney general of California from 2011 to 2017 and US senator from California which was in 2017 to till date. Okay, so let's see the next what she will be
and for what she is standing for will be okay or not, and will give her a success or not. But here it is also an achievement to get the ticket of such a major party. Okay, the next news is Mega Labs to boost COVID-19 testing. Mega Labs की बात की गई है COVID-19 की टेस्टिंग के लिए. Council of Scientific and Indian Research Institute CSIR is working on developing Mega Labs. Mega Labs conduct करने की बात कही जा रही है. CSIR जो है Council of Scientific and Indian Industrial Research, वो इस पर कार्य कर रहे हैं Mega Labs को develop करने के लिए, जिससे कि COVID-19 की टेस्टिंग जो है उन्हें रैंप अप किया जा सके और एक्यूरेसी रेट को भी इम्प्रूव किए जाने की बात यहाँ पे कही गई है. कि मेगा लैब जो है वो किस पे काम करेगी, बेसिकली कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे जो है टेस्टिंग हो, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी भी आए और उसी एक्यूरेसी के साथ में ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाया जा सके. ठीक है, द लैब्स विल बी रीपर्पज्ड लार्ज मशीन्स कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन. इनका जो रीपर्पजिंग है जो है लैब्स का, वो है लार्ज मशीन्स विच विल बी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन. इट मीन्स NGS विच आर नॉर्मली यूज फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम्स. ह्यूमन जीनोम्स को सीक्वेंस करने के लिए जनरली ये मशीन्स काम आती हैं. एंड टू सीक्वेंस 1500 to 3000 वायरल जीनोम्स एट अ गो टू डिटेक्ट द सार्स कोविड 2 वायरस यूज्ड ऑप्टिमली एंड विथ अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन. दीज मशीन्स कैन सब्सटेंशली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द वायरस इवन इन सेवरल instances where the traditional all RT-PCR, that is reverse transcription polymerase chain reaction test fails. Okay, basically genome study hai kya. NGS it means next generation sequencing. इसके अंदर एक स्कैनिंग इन्वॉल्व होती है जो आपके अंदर वायरस जीनोम को पूरी तरीके से जो है स्कैन करती है. ठीक है, दिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई मोर प्लेसेस वेयर द सार्स कोविड 2 वायरस डिफर्स फ्रॉम रिलेटेड वायरस. कैसे वो जो वायरस है सार्स कोविड 2 कोरोना वायरस जो है वो कैसे दूसरे सारे वायरस से अलग है अपनी बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर वायरस का, और किस तरीके से वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलेगी NGS से. ठीक है, टू लाइनेजेस ऑफ द वायरस नेवर सीन बिफोर इन इंडियन जीनोम्स वर आल्सो फाउंड एंड द सेंसिटिव एबिलिटी टू कंफर्म दोज हु हैव वायरस एज पॉजिटिव ऑफ NGS वाज 97.53. जिनको भी वायरस है, जिनको भी कोरोना वायरस होने की संभावना है, वह उनको करीब 97.53% तक जो है बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई करने का जो हम कह सकते हैं डिसीज़न है या आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो ये देता है. मेगा लैब्स देंगी, मतलब मेगा लैब्स में इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा सार्स कोरोना वायरस को, जिससे कि मैक्सिमम लेवल पे जो केसेस आते हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे, मतलब कोई भी तरह का हम कह सकते हैं झोल नहीं हो, जिनको भी एक्चुअली कोरोना वायरस है वो डिटेक्ट हो. क्योंकि देखिए टेस्टिंग किट्स जो है ना काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, काफ़ी हद तक जो है उनके अंदर झोल दिखाई दे रहा है. काफ़ी अभी इन दिनों अगर देखा जाए तो काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है. काफ़ी केसेस जो है ही नहीं, रीचेक करने पे पता चलता है उन्हें कोविड-19 है ही नहीं, और जो है टेस्टिंग किट्स में वो शो होते हैं. तो कई सारी चीज़ें देखने को मिली है. तो आने वाले टाइम में मेगा जो लैब्स होंगी उसके अंदर पूरी पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की टेस्टिंग की जाएगी उसके अंदर मैक्सिमम लेवल पे उन केसेस को निकालने की कोशिश की जाएगी जिनको पॉजिटिव है, और नेगेटिव लेवल पर जिन लोगों के पास में जिनको नहीं है उनका नहीं आएगा. ऐसा 97.53% तक की गारंटी यहाँ पर दी जाएगी. ओके,
तो देखते हैं नेक्स्ट एनालिसिस. नेक्स्ट इज एडिटोरियल आर्टिकल. ये एडिटोरियल का आर्टिकल है, स्टॉप द डिसमेंटलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स. एनवायरमेंटल रूल्स को डिसमेंटल करना स्टॉप कीजिए आप. द गवर्नमेंट हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. सरकार के पास में जो एक सामाजिक तौर पे ऑब्लिगेशन है कि उन्हें एनवायरमेंट को प्रोटेस्ट करना है. इट मस्ट विदड्रॉ द ड्राफ्ट EIA 2020 नोटिफिकेशन. उन्हें ड्राफ्ट जो है एनवायरमेंटल रेगुलेशन पर बेस्ड जो है EIA 2020 ड्राफ्ट जो है उसे आउट कर देना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन आउट करना चाहिए. ओके, विड्रॉ करना चाहिए. द संस्कृति संस्कृत वर्ड्स प्रकृति रक्षति रक्षिता. जितना आप प्रकृति की रक्षा करेंगे, एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे, एनवायरनमेंट आपकी रक्षा करेगा. ये संस्कृत वर्ड्स हैं. ग्रीट विजिटर्स एट द इंदिरा पर्यावरण भवन. द होम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. दे मीन नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज़ प्रोटेक्टेड. अगर नेचर को आप प्रोटेक्ट करते हैं तभी आपको नेचर प्रोटेक्ट करेगा. दिस एंशियंट इंडिक विजडम इंस्पायर्ड इंदिरा गांधी थ्रू आउट हर लाइफ. अपनी काफ़ी देखिए, इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी जो है एनवायरनमेंट से बहुत प्रेम रखा है उन्होंने. उन एनवायरनमेंट के प्रति उनका बहुत रुझान देखा गया है और उसी पर बेस्ड सोनिया गांधी जी का ये आर्टिकल है जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी जी का एनवायरनमेंट के प्रति जो डिवोशन था उसे शो किया है ना. और कैसे जो है नोवेल कोरोना वायरस किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का रीज़न है ना. इस तरह की चीज़ों से जो ये पेंडेमिक और जो कोई ऐसी बीमारी फैलती है इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा जो एक हैंडबैग नज़र आता है वो आता है एनवायरनमेंट का. वी हैव टू सेव एनवायरनमेंट. द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट मस्ट गो इन हैंड इन हैंड मस्ट गो हैंड इन हैंड विथ प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ एंड एक्सेस टू डिग्निफाइड लाइवलीहुड्स फॉर ऑल. हर एक के हाथों में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक के हाथों में होनी चाहिए. हर एक व्यक्ति को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की क्या करनी चाहिए जिससे कि पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जा सके और एक हम जो एक बहुत डिग्निफाइड लाइवलीहुड जो हमारा एक ड्रीम होता है उसे एक्सेस किया जा सके. तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये बेसिकली इसी पर बेस्ड है कि इरोजन क्या होता है, कैसे हो रहा है. उसके अलावा ओपेक रिव्यू बताया गया है और आदिवासी इस पे हमले की भी यहाँ पे बात की गई है और पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने पर बल दिया गया है. इंडिया एज अ ग्रीन हब जो है उसे हमें आगे लाना होगा एक ग्रीन हब के रूप में. तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये बेसिकली बेस्ड है सोनिया गांधी जी पर. सोनिया गांधी जी ने लिखा है, उनका ये कहना है कि इंदिरा गांधी से शुरुआत की है उन्होंने. उन्होंने बताया कि उनका इंदिरा गांधी जी का किस तरीके से एनवायरनमेंट और नेचर से लगाव था और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट और नेचर से लगाव और अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है उसको देखते हुए क्या आगे क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से हमारा जो एक हम कह सकते हैं अटैचमेंट जो है एनवायरनमेंट के प्रति वो बढ़ सकता है और क्यों इम्पॉर्टेंट है उसे बढ़ाना, है ना. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. इसके अलावा एनवायरमेंटल रूल्स को जो है प्रोसीड करने की बात कही गई है. देखिए ऑलरेडी एनवायरमेंटल रूल्स बने हुए हैं लेकिन वो प्रोसीड नहीं होते हैं और कई जगहों पर बने भी नहीं हुए हैं. तो उन्हें बनाने और उन्हें प्रोसीड करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को बचाया जा सके, है ना. तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है. इंडिया को ग्रीन हब के रूप में जो है सामने लाने की बात कही है और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर काफ़ी अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति की गई है जिससे कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से जो है कंजर्व किया जा सकता है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है. एक बार ये आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट इट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑप्शन. ओके, एनवायरनमेंट पर एक क्वेश्चन अगर मैं आपको देती हूँ, COVID-19 का एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा, एनवायरनमेंटल इश्यूज को डिस्कस कीजिए
और आने वाले समय में कैसे इन इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है उस पर विचार कीजिए या उसको शेयर कीजिए। तो आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं जो कि पॉइंट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सबमिट किए गए हैं। ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज रनिंग मेट मैटर्स इफ़ द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑन द टिकट लर्न फ्रॉम ईच अदर। अगर हर कोई व्यक्ति, हर डेमोक्रेटिक लीडर अगर एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं टिकट को जीतने के बाद, या टिकट जीतने से पहले भी इवन कई सारी चीज़ें होती हैं जो डेमोक्रेटिक लीडर से सीखने की होती है, लेकिन टिकट लेने के बाद यदि अगर आप डेमोक्रेटिक लीडर से कुछ चीज़ें सीखते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर वे, या हम कह सकते हैं आपको अपना रास्ता ज़रूर मिलेगा, है ना। प्रेजम्प्टिव US डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडन हैज़ पिक्ड कोमला हैरिसन को अपने सेनेटर की, सीनेटर जो है कैलिफोर्निया की कोमला हैरिसन, उनको जो बिडन ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, अपने पार्टी का एक मेंबर के रूप में सेलेक्ट किया है। ओके, और एज हिज वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट, वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट के रूप में उन्हें जो है चुना गया है। फिलिप ऑफ टू हिज पार्टीज कनेक्ट विद अफ्रीकन अमेरिकन्स, द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, वुमेन एंड इट्स कोर बेस ऑफ मेन स्ट्रीम लिबरल्स। देखिए क्या चीज़ें नज़र आती, सबसे पहली बात तो महिला को चुना गया, ठीक है। दूसरी बात, पहली बार ऐसी महिला को चुना गया जो इंडियन अफ्रीकन अमेरिकन, सॉरी अफ्रीकन अमेरिकन्स और इंडियन अमेरिकन रिलेशंस पर जोर देती है, ठीक है। क्यों देती है ये चीज़, यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ, इंडिया से बिलोंग करती है वो, है ना। उसके अलावा जमैका से बिलोंग कौन करता है, उनके पेरेंट्स इंडिया और जमैका से। और उसके अलावा जो तीसरा फैक्टर देखने को मिलता है, शी इज़ अ ब्लैक पर्सन। ब्लैक और वाइट का जो एक हम कह सकते हैं जो झगड़ा है या उससे रिलेटेड जो इशू है, वो ऑलरेडी हमें US में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है और पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर लेट मदर एंड कैंसर रिसर्चर्स श्यामलन गोपालन हेल्ड फ्रॉम अ चेन्नई बेस्ड फैमिली। उनकी लेट मदर या कैंसर रिसर्चर्स श्यामलन, श्यामला गोपालन जो है वो चेन्नई बेस्ड थी, चेन्नई की एक फैमिली से बेस्ड बिलोंग करती थी। एंड जमैकन फादर जो है डोनाल्ड हैरिस, रिटायर्ड स्टैनफोर्ड प्रोफेसर हैं वो। मेड अ नेम फॉर हर सेल्फ एज अ टफ लॉयर, पॉलिटिकली एम्बिशियस इनफ टू थ्रो हर हैट इन द रिंग एज अ बिडन चैलेंजर इन द डेमोक्रेटिक प्राइमरीज इन अ क्लोज पैरेलल टू फॉर्मर प्रेजिडेंट बराक ओबामा पिकिंग हिज डेमोक्रेटिक प्राइमरीज राइवल हिलारी क्लिंटन फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिस्टर बिडन चूज मिस हैरिस फ्रॉम एडमिस्ट a cohort of strong candidates including former NSA Susanne Rice and senator from Massachusetts Elizabeth Warren. In picking Ms. Harris, Mr. Biden has consolidated his position at the helm of the Democratic Party mainstream, ensuring a convergence of views with his vice presidential nominee on race race relations and policing and criminal justice reforms, immigrations and the health care, इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड एजुकेशन पॉलिसी। बेसिकली देखिए इस पूरे आर्टिकल में जो दिया गया है वो, जो अभी रिसेंटली जो बिडन ने, जिस फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडन ने जिस पर्सन को चुना है अपने रनिंग मेट के तौर पे, वो है कमला हैरिसन। शी इज़ द सीनेट ऑफ कैलिफोर्निया अलोंग विद दिस, उनके पिताजी जो हैं वो जमैकन थे और उनकी माता जी जो है वो चेन्नई बेस्ड थी। इसीलिए हम इस आर्टिकल को यहाँ स्टडी कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो एशियंस हैं, स्पेशली इंडियंस हैं,
उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर खुद को जो है एस्टैब्लिश कर रखा है. शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ह्यूमरस एंड वेरी टेक्नोलॉजिकल लेडी. एंड अलोंग विद दैट उनको काफ़ी, हम कह सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की उनकी हिस्ट्री रही है, जिस तरह की पोस्ट पे वो ऑलरेडी रहकर आई हैं, अपने आप में काफ़ी हम कह सकते हैं अचीवेबल मोमेंट है, या एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जीत है बेसिकली. ओके, और फिर इस तरह रनिंग मेट बनना वाइस प्रेसिडेंट का, अपने आप में बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी का मेंबर बनना, इट मीन्स सच अ वेरी वेरी बिग डील एट ऑल. ओके, तो ये पूरा जो चीज़ है, ये पूरा जो आर्टिकल है, ये इसी पर बेस्ड है. COVID-19 के चलते क्या प्रभाव पड़े इलेक्शंस पे, आने वाले टाइम में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें. यहाँ पे डिस्कस की गई है, ठीक है. सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू इट, आप इस आर्टिकल को पढ़िए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चल सके. ओके, द नेक्स्ट इज़ मेहन इन मिन्स्क. बेसिकली जो है थोड़े से में कैसे सब चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं और तबाही मच सकती है, थोड़ी सी लापरवाही से, थोड़ी सी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से, उसके बारे में बताया गया है. बेलारस, बेलारस जो है वो यूरोप का एक पार्ट है. इट इज़ अ क्रॉस रोड्स आफ्टर डिस्प्यूटेड इलेक्शन ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट एंड वायलेंस. डिस्प्यूटेड इलेक्शंस के कारण प्रोटेस्ट और वायलेंस देखने को मिला, और उसके बाद जो यहाँ पे घटना घटित हुई, कुछ दिन पहले की घटना है. पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है, ड्रामेटिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला. और फर्स्ट द इलेक्शन कमीशन अनाउंस दैट लॉन्ग टर्म प्रेजिडेंट एलेक्जेंडर लुकाशेंको वॉज द विनर ऑफ संडेज इलेक्शन. संडे को जो इलेक्शन हुआ उसके विनर है एलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऐसा अनाउंस किया गया, ठीक है. हिज मेन राइवल स्वेतलाना, उनके मेन राइवल जो स्वेतलाना है, रिजेक्ट आउट इन द कैपिटल मिन्स्क, विच वॉज मेट विथ अ वायलेंट सिक्योरिटी क्रैकडाउन. एटलीस्ट 2000 पीपल वर डिटेन्ड एंड डजन्स इंजर्ड. काफ़ी हिंसात्मक गतिविधियाँ पॉलिटिकली देखने को मिली. देखिए, पॉलिटिकल इशूज़ जो है, पॉलिटिकल सिचुएशन वर्सन होना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन उसके कारण जो प्रभाव होते हैं वो अपने आप में काफ़ी भयानक जो है प्रभाव डालते हैं. ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि जहाँ सरकार के अंदर जो है, एक सरकार जो है उसके खिलाफ लोगों में हिंसा और प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, उसे सरकार कैसे ओवरकम करती है और किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले टाइम में पता चलेगा. और आप जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें, वीकनेस के जो पॉइंट्स हैं या जो स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगी. सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इम्पॉर्टेंट बन सकता है ना. अब हम बात करेंगे वैक्सीन की. देखिए, वैक्सीन नहीं और वैक्सीनेशन है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है. एक महामारी के लिए, COVID-19 जैसी महामारी के लिए, ये कह पाना कि उसकी वैक्सीन कब आएगी, इस साल आएगी या अगले साल आएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना. और इसे एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता. और मानव उम्मीदों और टेक्नोलॉजी का टेस्ट है एक तरीके से, कि क्या टेक्नोलॉजिकली इंसान इतना डेवलप हो चुका है, या क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम उसी साल में जो है या अगले साल में उस मेडिसिन को लेकर आ जाएँ महामारी के. तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो वो अपने आप में भारत की टेक्नोलॉजिकल या वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजिकल सक्सेस होगी, है ना. तो ये इसी के अंदर दिया हुआ है, ये इसी के बारे में बात की गई है बेसिकली, कि वर्ल्ड लेवल पे जो है इस बात का, इस पर्टिकुलर सेक्टर का क्या इम्पैक्ट है, और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, और इस पर्टिकुलर जो पॉलिसी है उसकी क्लैरिटी कितनी है, क्लैरिटी क्या है उसके अंदर, और इसके लिए क्या प्लान जो है रेडी होना चाहिए,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि वैक्सीन के लिए क्या वर्क हो। देखिए, सारी कंट्रीज़ अपने स्तर पे प्रयास कर रही है वैक्सीन फाइंड आउट करने की, लेकिन इंडिया इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम, बट हेयर वी आर नॉट गेटिंग द वैक्सीन। आई मीन वी कांट से दैट वी हैव द वैक्सीन जो आपको बिल्कुल 100% कोविड फ्री कर देगी। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क करना कि इस साल वैक्सीन आएगी या नहीं, अगले साल आएगी या नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स अपने आप में जो है एक बिल्कुल हम कह सकते हैं अर्थहीन क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऐसा अभी तो किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है जो ये दावा करे कि उनके पास वैक्सीन है। बट स्टिल इंडिया ने कोवैक्सीन के ऊपर जो रिसर्च स्टार्ट किया है वो कितना पॉजिटिव है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर बेस्ड है। इस पर इसका वैक्सीनेशन का जो है क्या इम्पैक्ट है हमारे जो वर्ल्ड पे, वर्ल्ड लेवल पे, उसके अलावा जो इनोवेटिव डिलीवरी के बारे में भी बात की गई है, टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन मार्क किया गया है यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए क्या प्लान किया जाना चाहिए, कैसे कोविड-19 को हराने के लिए हमें वैक्सीनेशन पे बल देना होगा, क्या सारी इम्पोर्टेंस जो है वैक्सीन से रिलेटेड है रखती है एज ऑफ नाउ अभी के टाइम में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। ठीक है, पॉसिबल वे में सारे आर्टिकल्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, आपको रीड आउट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे आज मेरा गला ख़राब होने की वजह से पॉसिबल है कि क्लियरिटी आपको ना मिली हो वॉइस में, बट स्टिल कल से उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी और बेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड हो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, एंड बी विथ अस, कीप ज्वाइनिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। Bye-bye, take care, have a great time ahead.